नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि एयरलाइन जॉब्स जो कि करेंट वैकेंसीज निकली है सेप्टेम्बर और अक्टूबर में, यानी एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तरा के करेंट वैकेंसीज यानी कि ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्र्यू, टेक्निकल, क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेडिकल, ये सारे जो वैकेंसीज निकली हुई है सितंबर और अक्टूबर में, इनके बारे में ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम उन जॉब्स को सर्च करें और उनमें अप्लाई करें। मुझे पता है कि आप में से बहुत जन फेक एयरलाइन जॉब्स में फंसे हुए हो और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जेन्युइन एयरलाइन जॉब्स के बारे में जान सके और जेन्युइन एयरलाइन जॉब्स में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसके बारे में जान सके। हाँ, अगर आपका फेक एयरलाइन जॉब्स पे कोई भी सवाल रहे, कोई भी सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। नीचे जो है सारा डिटेल्स दिया हुआ है, मेरे प्रोफाइल का भी और मेरे फेसबुक पेज का भी, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें और मैं जितना संभव हो सकूँगा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के जो टॉपिक है, जो करेंट वैकेंसीज निकले हुए हैं सितंबर और अक्टूबर के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तरा के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे। उसके लिए मुझे मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो में बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप नए हो चैनल में और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन में और देखते हैं वो करेंट वैकेंसीज क्या क्या है। तो दोस्तों, मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दिया है। तो एयर इंडिया का जॉब्स खोजने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च बार में लिखना है एयर इंडिया कैरियर, और यहाँ पे पहला जो लिंक है airindia.in/careers उसी को खोलना है। तो पहले मैं बता दूं कि एयर इंडिया गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, और गवर्नमेंट के दूसरे जॉब्स के लिए जिस तरीके से हमें अप्लाई करना पड़ता है, फिर कॉल लेटर आता है, हमें ऑनलाइन या रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसी के बाद सिलेक्शन होता है, सेम प्रोसीड्यूर है यहाँ भी। तो उसी के साथ बता देता हूँ कि जो कैटेगरीज जिसके बारे में बात कर रहा था कि ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्र्यू, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे जितने कैटेगरीज के जॉब है ये सारे ही एक ही साथ दिए हुए हैं यहाँ पे। और साथ ही आप देख पाओगे कि ऑनलाइन डेट और एंड डेट दिया हुआ है। तो पहला जो जॉब है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अलायंस एयर रिक्रूटमेंट फॉर को पायलट, इसका डेट 18 सितंबर को ख़त्म हो चुका है। सेकंड जो है अलायंस एयर रिक्रूटमेंट फॉर ट्रांजिशन कमांडर एंड कमांडर, वो भी 18 सितंबर को ख़त्म हो चुका है। चीफ ऑफ आईटी वाला भी लेटेस्ट जो अपडेट है उस हिसाब से ये भी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे ये खुल नहीं रहा अभी। तो नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर इन एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, तो इसका जो डेट है, एंड डेट वो है 28 सितंबर। तो एडवर्टाइजमेंट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या पकड़ लीजिए कैसे हमें अप्लाई करना है, इनके बारे में जानने के लिए आपको क्लिक हेयर टू व्यू द एडवर्टाइजमेंट में मारना है, और आपको सारे जितने हैं वैकेंसीज से लेके कैसे अप्लाई करना है, कितना आपको मतलब जो है प्रोसेसिंग फ़ी देना है, जैसे कि इसका 1000 रुपीज़ है, वो सारा यहीं पर लिखा हुआ रहेगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। और इस इन सारे जो वेबसाइट के जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो यह जो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इसका इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ हमें रजिस्टर करना है सबसे पहले, और आपके पास जो है उसके बाद कॉल लेटर आ जाएगा। वहाँ पे कॉल लेटर में ही आपका रिटन एग्जामिनेशन का वेन्यू सब कुछ दिया हुआ रहेगा, और आपका रिटर्न अच्छा जाएगा तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिस तरीके से नॉर्मली गवर्नमेंट के दूसरे पोस्ट के लिए होता है। अब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग कंट्रोलर ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस, यहाँ क्लिक हियर फॉर रिटर्न टेस्ट कॉल लेटर, तो टेस्ट कॉल लेटर लेने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा, सेम प्रोसीड्यूर है, इसके भी एडवर्टाइजमेंट आपको देखना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप एडवर्टाइजमेंट में सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले सकते हैं। और एक बड़ा बात जो कहना चाहता हूँ कि एयर इंडिया क्योंकि रेप्यूटेड है, गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट लास्ट वाला है, एडवर्टाइजमेंट फॉर एक्सपीरियंस्ड केबिन क्र्यू नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न रीजन, तो यहाँ पे पकड़ लीजिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा,
प्राइवेट जो सारे एयरलाइन कंपनीज हैं वैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज में 15-15 साल काम करके आने वाले लोग भी अप्लाई करते हैं। तो ये है कुछ एयर इंडिया में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, और यही है एयर इंडिया के सितंबर और अक्टूबर में निकलने वाले जो है जॉब सब। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिगो के सितंबर और अक्टूबर के जॉब्स के बारे में। तो सर्च बार में जाके गूगल में लिखना है इंडिगो कैरियर, और careers.goindigo.in जो लिंक निकलेगा उसी को हमें पहले खोलना है। अब इंडिगो का जो पोर्टल है उसमें आपको सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट, यहाँ जैसे डिपार्टमेंट का टैब वो आ रहा है टैब, तो उसमें किसी भी एक में आप क्लिक कर सकते हो सबसे पहले, और यहाँ व्यू ऑल जॉब्स कर सकते हो। तो व्यू ऑल जॉब्स में आपको क्लिक करना है, तो साथ ही साथ देखेंगे कि एक नया जो है लिंक खुल जाता है, और यहाँ पे 15 ओपनिंग्स हैं अभी, जो कि पकड़ लीजिए 7 डेज 8 डेज के भीतर है, और जिनका पकड़ लीजिए टाइम पीरियड वही 1 मंथ नियर अबाउट रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है सीनियर मैनेजर डेटा सेंटर इंजीनियरिंग का है, एयरपोर्ट एंड कस्टमर सर्विसेज में सीनियर एग्जीक्यूटिव सैप ऑपरेटर, जो सैप जानते हो वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है साथ ही में कि 3 से 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। मैनेजर रैंप कोलकाता पुणे बेंगलुरु 12 से 20 साल का एक्सपीरियंस, मैनेजर कस्टमर सर्विसेज कोलकाता दिल्ली 14 से 22 साल, और मैनेजर सिक्योरिटी असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी सारा दिया हुआ है विथ प्लेसमेंट, जहाँ जहाँ प्लेसमेंट होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ऑफिसर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस रैम सिक्योरिटी दिल्ली हैदराबाद बेंगलुरु पुणे कोलकाता गोवा अहमदाबाद, और ये फ्रेशर्स के लिए भी है जैसे 0 to 5 years। और उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विसेज, ये ग्राउंड स्टाफ इसी में गिरता है, और ये जो नीचे प्लेसेस दिए हुए हैं वहाँ पे आपका जॉब पोस्टिंग होगा बेसिकली। असिस्टेंट मैनेजर रैम इंजीनियरिंग सेक्शन के लिए दिया है एमई ट्रेनी B1 टेक्नीशियन 1 to 10 years एक्सपीरियंस एनीवेयर इन इंडिया, फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए ऑफिसर एग्जीक्यूटिव फ्लाइट ऑप्स सपोर्ट, फिनांस के लिए फिनांस सेक्शन के लिए दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेजरी ऑपरेशन, असिस्टेंट मैनेजर टैक्सेशन, और इन फ्लाइट सर्विसेज के लिए केबिन क्रू, केबिन क्रू में आप फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं यहाँ। तो पकड़ लीजिए मैं सीनियर डेटा इंजीनियरिंग के लिए सेंटर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करता हूँ, तो क्लिक करना है, और यहाँ जैसे आप देख पा रहे हो कि सारा जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ दिया हुआ है, रूटीन टास्क क्या रहेगा वो भी दिया हुआ है, टेक्निकल स्किल्स क्या चाहिए वो भी दिया हुआ है, और साइड में जैसे कि आप देख सकते हो कि लॉग इन टू अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिगो में आपको लॉग इन करना पड़ता है, आपको पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ता है। अब रजिस्टर कैसे करेंगे उसका मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि लॉगिन प्रोसीड्यूर आपको जानना है कि नहीं, मगर ऐसे में हल्के में बता देता हूँ कि ऊपर कैंडिडेट साइनअप है उसी के थ्रू आप जाके आराम से कर सकते हो। तो ये कुछ जॉब्स है, मैं बैक करता हूँ, ये कुछ जॉब्स है जो सितंबर और अक्टूबर के निकले हुए हैं, और आप इन्हें देख के आप जिस जिस फील्ड में हो आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्पाइसजेट के करियर में करियर सेक्शन को देखेंगे, और साथ ही बता देना चाहता हूँ फिर से कि ये सारे जो करियर के लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए रहेंगे, तो आप चेक कर लेना। तो स्पाइसजेट का करियर आप अगर चेक करना चाहो तो स्पाइसजेट करियर लिखना है सर्च बार में, और पहला जो लिंक लिखेगा spicejet.com/career वही है लिंक, तो उसे क्लिक करना है और आपको करेंट ओपनिंग्स दिख जाएंगे। तो करियर सेक्शन जो है इनका वो बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, ये देखिए करंट ओपनिंग्स दिए हुए हैं, ये सितंबर और अक्टूबर का है अभी का। तो यहाँ पे जैसे कि पहला वाला है हायरिंग कैप्टन्स फॉर Q400, और जॉब टाइटल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस स्पेशल फीचर यानी कोई टेक्निकल स्किल अगर चाहिए तो ये सारा चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद आते हैं जेनरिक ओपनिंग्स, तो इन फ्लाइट सर्विसेज है सबसे पहले जिसमें केबिन क्रू आता है, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन एजुकेशनल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट एलिजिबल क्राइटेरिया मैरिटल स्टेटस स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायरमेंट्स एक्सपीरियंस ये सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद आता है एयरपोर्ट सर्विस, और ये जो सारा है ये सितंबर और अक्टूबर जो रिसेंट है उसी टाइम पीरियड का है, ये 15 डेज 20 डेज बेसिस पे चलते रहता है, अपडेट होते रहता है। अब एयरपोर्ट सर्विसेज में जैसे आ जाता है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो ये है ग्राउंड स्टाफ पर्पस, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्किल्स क्या चाहिए तो आप जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी जो कि टेक्निकल वाला है, और उसके बाद है मेडिकल ऑफिसर, ऑब्वियसली मेडिकल
साइड का है और एग्जीक्यूटिव रिजर्वेशंस भी आ जाता है क्लरिकल साइड में. तो सारे में ही नीचे दिया हुआ है किस तरीके से हमें अप्लाई करना है. कुछ कुछ डायरेक्टली जिसमें अप्लाई नाउ लिखे हुए नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है कि अप्लाई मेल दिया हुआ है, वहाँ पे हमको डायरेक्टली मेल करके अप्लाई कर देना है, अपने सीवी को जमा करना है साथ में. यहाँ पे देखिए मेल ईमेल आईडी दिया हुआ है मगर अप्लाई नाउ दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या है इनमें मेल करके अप्लाई कर देना है. और जैसे कि ये कैबिन क्रू के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्लिक करना है. सबसे पहले क्लिक करने के साथ साथ ही आपका एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम सारा कुछ देना है, एक्सपीरियंस, लाइसेंस डिटेल, यहाँ पे स्कैन ऑफ पासपोर्ट भी देना है और अपलोड डॉक्यूमेंट अपना रिज्यूमे देके सबमिट करना है. उसके बाद आपका एक मेल में कंफर्मेशन आएगा और आपका जो सीवी है वो सबमिट हो जाएगा. और हर क्षेत्र में ही अगर हम पकड़े, या इंडिगो पकड़ लीजिए, या स्पाइसजेट पकड़ लीजिए, या विस्तरा, ये तीन प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो इनमें क्या है आपको मेल के थ्रू और फोन के थ्रू ही वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और वेन्यू भी उसी कॉल या फिर ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा. मतलब फोन कॉल भी आएगा साथ ही ईमेल भी आएगा. तो इस तरीके से हमको अप्लाई करना है. और यही है कुछ स्पाइसजेट के अभी जो सेप्टेम्बर अक्टूबर में आए हुए हैं जो जॉब्स, वो कुछ यही है. तो दोस्तों अब हम विस्तरा के इस मंथ के करंट वैकेंसीज को देखेंगे. तो आपको सर्च बार में जाके विस्तरा कैरियर लिखना है और airvistara.com/trip/careers जो यूआरएल निकलेगा पहला, उसी में क्लिक करना है. तो क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पे दिया ही हुआ है डायरेक्टली करंट वैकेंसीज, तो उसमें क्लिक करना है और वॉक इन इंटरव्यूज के तीन सेक्शन खुल जाएंगे, कैबिन क्रू, ग्राउंड सर्विसेज, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. अब कैबिन क्रू में हम प्लस साइन में क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है और freshers experience cabin crew and cabin crew in charge, और डेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिटी, वेन्यू सब कुछ दिया हुआ है. तो यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि गुड़गांव वाला हो चुका है, अहमदाबाद वाला हो चुका है, 20 सितंबर को दिल्ली का हो चुका है, 30 सितंबर को चेन्नई में होगा और वेन्यू भी दे चुके हैं. उसके बाद पुणे, जयपुर, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलुरु का अभी तक वेन्यू उन्होंने डिक्लेयर किया नहीं है. तो प्री रजिस्ट्रेशन लिंक लेने के लिए 30 सितंबर का ही पकड़ लीजिए, हमें प्री रजिस्ट्रेशन लिंक लेना है. तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सबसे पहले और यहाँ गूगल फॉर्म खुल जाएगा. उस फॉर्म को हमें फिलअप करना पड़ता है और फॉर्म फिलअप करने का प्रोसीड्यूर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है उसमें मैंने एक बार ही बताया है पूरा, वो वीडियो आप देख सकते हो. और साथ ही कह देता हूँ आप कमेंट करके बता सकते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना दूंगा कि किस तरीके से हम ये फॉर्म फिलअप करते हैं नॉर्मली गूगल में. तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सब कुछ दिए हुए हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शंस है वो भी दिए हुए हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है. उसके बाद आता है ग्राउंड सर्विसेज. अब ग्राउंड सर्विसेज में क्लिक करना है. सबसे पहले आपको देखना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और यहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई. यहाँ पे कोई उस तरीके का आपको वेन्यू बताया नहीं गया है. आप जब क्लिक आप करोगे अप्लाई तो फिर गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा और आपके पास मेल और फोन कॉल के थ्रू आपको इंटरव्यू, वेन्यू, टाइम, डेट सब कुछ बता दिया जाएगा, बोथ वाया फोन एंड मेल. और ये सेम चीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी अलॉट किया गया है. यहाँ पे क्लिक हेयर कर सकते हो. क्लिक हेयर करने के बाद आपका गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है, सबमिट करना है. आपके पास कंफर्मेशन आएगा और कंफर्म होने के साथ साथ उसके बाद आपके पास फोन और मेल के थ्रू आपको वेन्यू, इंटरव्यू वेन्यू, टाइम, डेट सब कुछ बता दिया जाएगा. तो ये है कुछ करंट वैकेंसीज विस्तरा में जो अब निकले हुए हैं. दोस्तों होप आपको इस वीडियो से मदद मिले और अगर कहीं भी किसी भी स्टेप को समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे FB प्रोफाइल या तो मेरे फेसबुक पेज के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली और अपने सवाल कर सकते हो. मैं जल्दी से जल्दी उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा. तो आज का वीडियो यहीं पे करूँगा एंड. हाँ, साथ ही ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो एयरलाइन जॉब्स की वैकेंसीज हैं मैं मंथली बेसिस पे आपको ये बताता रहूँगा, आपको अपडेटेड करता रहूँगा, आपको अपडेट देता रहूँगा ताकि आप अपडेटेड रहो इस चीज़ के बारे में. और जो फेक एयरलाइन जॉब्स है उनसे दूर रहो ताकि आप जेन्युइन जॉब के बारे में जान पाओ और अपडेटेड रहो. तो आज का वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड. मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी भी न्यूज़, ट्रैवल या ड्रामा वीडियो के साथ. तो आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा.